वहीं प्रतापगढ़ के डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। दरअसल जिला अस्पताल से लगातार प्राइवेट प्रैक्टिस, दलाली और अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते डीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल से दलाली करने वाले वहां से भाग निकले। डीएम ने ब्रह्म रोगी, बाह्य रोगी विभाग, इमरजेंसी वार्ड, पैथोलॉजी, डॉक्टर्स चैम्बर में पड़ताल करते हुए मरीजों की समस्याओं को भी समझा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सीएमओ को व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का निर्देश दिया और अस्पताल के बाहर अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। ओपीडी के समय आए दिन समाचार पत्रों में ये शिकायतें निकलती थी कि डॉक्टर समय से उपस्थित नहीं होते हैं और बाहर की दवाएं लिखते हैं। इस तरह की शिकायतों को देखने के लिए आज औचक निरीक्षण किया गया है, लेकिन मौके पे मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर उपस्थित हैं और मरीजों को सही ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है और बाहर की दवाएं नहीं लिखी जा रही है। लेकिन मेरा ये मानना है और मैंने सभी डॉक्टर साहब को ये सचेत किया है कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं है।